हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि रनिंग करते समय आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अक्सर छात्रों को देखो पता नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ रियल में आपको तंग करती है। जब आप 500 मीटर कम रह जाते हैं या 1 किलोमीटर कम रह जाते हैं, उस समय सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पेट पकड़ के बैठ जाते हो और रनिंग क्लियर नहीं हो पाती है। तो कौन सी गलतियाँ हैं मैं बताने वाला हूँ। एक तो आप लोग जब रनिंग स्टार्ट करो तो शुरुआत के दो किलोमीटर तक आपको मुँह नहीं खोलना है। मुँह मतलब जैसे आपको सांस है ना, वो ऐसे नहीं लेना है, एक तो पूरा मुंह खोल लिया, ऐसे पूरा मुंह खोल लिया और भाग रहे हो, वो नहीं करना है। एकदम ऐसे मुंह बंद रखना है और सांस नाक से लेना है। जितना 2 किलोमीटर जितना हो सके उतना नाक से सांस लो और 2 किलोमीटर तक आप रनिंग करो। उसके बाद आपको मुंह खोलना है, थोड़ा सा, इतना सा मुंह खोलना है आपको। ऐसे पूरा नहीं खोलना है, ऐसे खोल लिया, ऐसे पूरा मुंह खोल लिया और ऐसे भागते जा रहे हो, तब आपका सांस ज़्यादा फूलेगा और आपको थोड़ा सा मुंह खोल के रनिंग करना है। ये आपको चेक करना। और अभी भी आप अगर रनिंग मुंह बंद करते बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हो रनिंग के समय, तब आप लोग की कैपेसिटी बहुत अच्छी है रनिंग करने की। एक बार आप मुँह खोल के भाग के देखना, आप लोग स्पीड से अच्छे से भागोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मुँह नहीं खोलता हूँ तो मेरे तो सांस ही मतलब वो सांस दम घुटने लगता है। तो देखो, आप लोग कोशिश करना कि शुरुआत के 1600 मीटर तो कम से कम आप लोग मुंह मत खोलो, बिना मुंह खोले नाक से सांस लेकर रनिंग करो। ये कोशिश करना 1600 मीटर तक, देखना अगर आप इतना कर जाते हो तो उसके बाद अगर आप आगे की जो रनिंग करोगे उसमें आप अच्छा खासा टाइमिंग दे पाओगे और अच्छा खासा आपके फ़र्क पड़ने वाला है। दूसरी गलती ये है कि एकदम आप भूखे पेट नहीं जाना है, एकदम भूखे पेट नहीं जाना है, कुछ ना कुछ खा के आपको जाना है, ठीक है। और मैंने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा क्या खा के जाना है एक दिन पहले का, उस दिन का वो क्या प्लान है, वो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना अच्छे से और वो आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। 1-2 मिनट आपके उसमें कम हो जाएंगे। जिस इस वीडियो में जो भी चीज़ बताया मैंने 100% उसका कमेंट पढ़िएगा छात्रों का, तो वो आपके कारगर है 100%। वो वीडियो देख लेना आप, अच्छा रिजल्ट दिया है छात्रों ने, कमेंट में बताया, देख लेना आप। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स देता रहता हूँ। तो दूसरी ये थी। तीसरी ये है कि किसी भी तरह की कोई भी जो रनिंग इंजेक्शन है वो मत लगाए, किसी भी तरह का कोई भी इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। रनिंग इंजेक्शन हो या कोई किसी तरह की कोई ऐसे टेबलेट जो बताते हैं कि हाँ स्पीड से भगा देगी, वो टेबलेट ऐसे वैसे तो कोई आती नहीं है, स्पीड से भगाने वाले कोई टेबलेट नहीं आती है। बाकी किसी भी तरह का कोई इस तरह इंजेक्शन वगैरह का यूज़ नहीं करना है। दूसरे ये चीज़ है कि रेडबुल वगैरह वो भी यूज़ नहीं करना है, कोई भी ऐसी ड्रिंक आती है जो आपको पी के भगा देगी, ये वो चीज़ यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 किलोमीटर रनिंग में ये सब कोई भी कारगर नहीं है। आपने जो मेहनत की है लास्ट दिनों वही आपके काम आनी है ये चीज़ें। हाँ, कुछ जो एनर्जी ड्रिंक है वो ले सकते हो, जैसे कि एपी वगैरह हुई, और या फिर सबसे बेस्ट तो देखो यही है कि 1 लीटर वो जो आपकी बोतल है उसमें 1 लीटर पानी में इलेक्ट्रोल डाल लिया और वो रनिंग से पहले तक पी के रहना, एकदम अच्छे से पीते हुए रहना उस दिन, चाहे आपको कितना ही दौड़ाए, दो घंटे वो जब शुरुआत जो फॉर्मेलिटी होती है तो बैठे रखते हैं, 9 बजे स्टार्ट होती हैं किसी की 7 बजे हो जाती हैं कई कई जगह, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं शुरुआत में जब जाते हो चेस्ट मेजरमेंट में, उसके बाद में हाइट वेस्ट फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, फ़ोटो चिपकवाते हैं, उन सब फॉर्मेलिटी में टाइम लग जाता है। तो आपको वो बोतल साथ में रखना है और एकदम खुद बॉडी को है ना एकदम अच्छे से रखना है, उस समय पानी वगैरह पीते रहना है। और जो उसके बाद की जो मेन गलती है वो गलती ये है कि आपको जब आप खड़े होते हो वहाँ तो एकदम अच्छे से है ना थोड़ा बहुत शुरुआत की एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, उसके बाद भागना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि सो जाना है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ये कमेंट कर रहे हैं जब हम रनिंग शुरुआत की स्टार्ट करते हैं तो उस समय एकदम अच्छे से घबरा जाते हैं और मन नहीं करता है रनिंग का, इतने जनों में अपने कहाँ नंबर आए क्या आएगा, जिनका खासकर वो छात्र जिनका 27 मिनट आ रहा है, 26 मिनट आ रहे हैं। देखो ये सब माइंड सेट है, अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि हाँ आराम से कोई बात नहीं, अपना शरीर में फुल एनर्जी है, 24 मिनट तो करना है कर देंगे, तब आप लोग कर जाओगे। और जो है वो ये है कि आप लोग है ना जैसे वहाँ ऐसे नंबर वाइज नहीं होता है ना, रोल नंबर वाइज होता है, जितना जो लोग पहले जाएंगे वो लोग पहले रनिंग करेंगे, ये सिस्टम होता है SSGD में। तो आपको कोशिश करना है कि आप लोग पहले जाओ और
फर्स्ट बेच में आप लोग रनिंग कंप्लीट करो। जैसे फर्स्ट बेच पूरा हुआ सेकंड बेच को दौड़ाते हैं, सेकंड बेच पूरा हुआ थर्ड बेच को दौड़ाते हैं, तीन बेच बनते हैं ऐसे एस एस जी डी में, तो कई जगह दो बेच भी बनते हैं अगर छात्र कम आते हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि पहले बेच में दौड़ो और जल्दी जितना हो सके जितना जल्दी दौड़ो। पहले बेच वालों की रनिंग जल्दी हो जाती है, फिर धूप आ जाती है, उसके बाद लास्ट वाले बेच धूप आ जाती है। तो आप लोग देखते हो कि लास्ट टाइम जब आपने किसी ने रनिंग की है तो देख लो जो लास्ट वाला बैच है उसमें कम छात्र हुए, शुरुआत वाला फर्स्ट वाले में बहुत सारे छात्रों ने रनिंग कंप्लीट की है। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो सुबह जल्दी दौड़े, ठीक है, धूप में दौड़ना कठिन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और भी आपकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 27 मिनट वाला 26 मिनट वाले माइंड सेट कर लिया तो रनिंग कंप्लीट कर जाएगा। कोई आपको ये बात सोचना ही नहीं है कि होगी नहीं होगी, वो सब फुल मोटिवेट रहो, आपको वहाँ हो जाएगी। कोई भी मतलब अगर माइंड अच्छा अच्छे से सेट रखा तो कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है इसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।